वेलकम टू स्टेंट ट्यूटोरियल। आई एम शाइस्ता खान। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और जो हमारा टॉपिक चल रहा था, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, उसी टॉपिक को हम क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू करते हुए। जो हमारा थर्ड, उस फैक्टर्स में जो थर्ड टॉपिक था, आज हम उसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो थर्ड टॉपिक है, आइए देखते हैं कि वो क्या है। वो है इफेक्ट ऑफ द नेचर ऑफ अ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। अब हम बात करने वाले हैं, पहले तो हमने पढ़ा कि इफेक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। जो लेंथ होती है कंडक्टर की, वो क्या होती है, वो जैसे जैसे लेंथ बढ़ती है या जितनी लेंथ ज्यादा रहती है कंडक्टर की, उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा रहता है। यानी कि आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, लेंथ के होता है। यानी जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। यानी कि लेंथ अगर बढ़ेगी कंडक्टर की तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने जो सेकंड इफेक्ट पढ़ा था कि क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, तो उसका इफेक्ट क्या होता है, जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर के। यानी कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है या उसका जो डायमीटर का स्क्वायर है, उसका क्या होता है, रेजिस्टेंस उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इट मींस कि जितना भी क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ेगा, रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। और क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, जितना कम होगा रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको ज्यादा स्पेस मिलेगी क्या होने के लिए, फ्लो होने के लिए। और उस मतलब कोलिजन क्या होगा, कम होगा, उसकी वजह से, कम होने की वजह से उनको अच्छा खासा स्पेस मिलेगा जिससे वो आराम से ट्रैवल या फ्लो कर पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर कंडक्टर का क्या होगा, अगर ज्यादा होगा तो जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगी, कम होगा, ठीक है। ये तो हम दो फैक्टर्स पहले ही उसको क्या करते थे, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज हम पढ़ने वाले उसका थर्ड फैक्टर, और थर्ड फैक्टर है कि अब हम बात करेंगे कंडक्टर के मटेरियल की। किसकी बात करेंगे, कंडक्टर के मटेरियल की, ठीक है। तो हमने एक हमारा जो फॉर्मूला जो हमने दो इफेक्ट्स पढ़े थे उसमें क्या था, आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर के। तो अगर हम बात करें, अगर हम उन दोनों को, जो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल और आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ए था, अगर हम दोनों को मर्ज करेंगे तो क्या आएगा, हमारा आ जाएगा ये फॉर्म, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए, ठीक है। अब जैसे कि हमने क्या किया कि हमने हम जब भी प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो वहां पे कांस्टेंट लगाते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी हटाया और उसकी जगह पे ये हमने कांस्टेंट लगाया, इसको हम बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं हम इसको, बोलते हैं रो। ये जो रो है, ये जो रो है उस वो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और इसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। इसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। अब इसी चीज को हम क्या करने वाले हैं, आज पढ़ने वाले हैं, और वो क्या है, द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ विच इट इज मेड। यानी जो हमारा कंडक्टर होता है वो किसी ना किसी मटेरियल का बना होता है, ठीक है, किसी ना किसी मटेरियल का बना होता है। जैसे मान लीजिए कि हमने बोला कि जो कॉपर होता है, एल्युमिनियम होता है, सिल्वर होता है, वो क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है। तो बेसिकली हम जो कंडक्टर बनाएंगे वो कुछ ना कुछ इन्हीं में से किसी मटेरियल का बनाएंगे, क्योंकि भाई हमें तो अच्छा ही कंडक्टर चाहिए ना। तो अगर मान लीजिए हम कॉपर की बात करते हैं कि हमने जो कंडक्टर बनाया वो किसका बनाया, वो कॉपर का बनाया, ठीक है। तो कॉपर जो मटेरियल है जिसका वो कंडक्टर बना हुआ है, जो कंडक्टर जिस मटेरियल का बना हुआ है, उसकी खुद अपनी एक रेजिस्टिविटी होती है, उसमें उसकी खुद अपनी एक रेजिस्टिविटी होती है, जो कि जिसपे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, जिसपे क्या होता है,
जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है वो रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करता है, जिससे कि वो कंडक्टर बना होता है। ठीक है, क्यों मैं इसको ज्यादा डीप में इसलिए नहीं जा रही हूँ, क्योंकि इसके बाद जो है, जो हम ये फैक्टर्स पढ़ने के बाद हम एक पूरा का पूरा टॉपिक ही पढ़ेंगे रेजिस्टिविटी का। ठीक है, इसकी वजह से मैं आपको अभी सिर्फ इतना ही बता रही हूँ कि जो हमारा रेजिस्टेंस होता है, द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल, मतलब जो रेजिस्टेंस होता है वो डिपेंड करता है किस पे डिपेंड करता है, जिस मटेरियल का कंडक्टर बना होता है उस मटेरियल पे भी क्या करता है, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड पॉइंट, सम मटेरियल्स हैव लो रेजिस्टेंस वेयर्स अदर हैव हाई रेजिस्टेंस। कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनका क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, लो होता है। कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनका रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, तो अगर हमें एक अच्छा कंडक्टर चाहिए तो हम ऐसा मटेरियल चूज करते हैं जिसका लो रेजिस्टेंस होता है। किसका, जिसका लो रेजिस्टेंस होता है वैसे मटेरियल चूज करते हैं हम, किसके लिए, कंडक्टर के लिए। क्यों, क्योंकि भाई हमें तो अच्छी खासी क्या चाहिए, करंट चाहिए ना, तो उसके लिए हम लो रेजिस्टेंस का क्या करते हैं, कंडक्टर यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो मैंने आपको बताया ये जो R था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था L के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल था A के। ठीक है, उन दोनों को हमने मर्ज कर दिया, जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमने लगाया है उसको हम कहते हैं रो। और रो जो होता है वो होता है कंडक्टर की के मटेरियल की रेजिस्टिविटी, क्या होती है, कंडक्टर के मटेरियल की रेजिस्टिविटी, या तो हम इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर भी कहते हैं। कंडक्टर का एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, रो कहते हैं, और उसको रेजिस्टिविटी भी हम कहते हैं, और इसको रो से हम डिनोट करते हैं। इसका भी अपना जो होता है SI यूनिट्स होता है, ये सब कुछ हम जो है, और इसको और डीप में हम किस में पढ़ेंगे, जब हम रेजिस्टिविटी टॉपिक पढ़ेंगे उसमें हम इसको और डीप में पढ़ेंगे। तो अभी तक हमने तीन फैक्टर्स पढ़े जिसमें क्या था कि जो रेजिस्टेंस था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा था लेंथ के, यानी लेंथ कंडक्टर की जितनी बढ़ेगी रेजिस्टेंस उतना ही बढ़ता जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने दूसरा फैक्टर पढ़ा था क्रॉस सेक्शनल एरिया का। अगर कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना बढ़ता जाएगा रेजिस्टेंस उतना कम होता जाएगा, और क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना कम होगा रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। तीसरा फैक्टर यह है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो कंडक्टर के मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, जिस मटेरियल का वो कंडक्टर बना होता है। ठीक है, क्योंकि बहुत से ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनका किसी का लो रेजिस्टेंस होता है, किसी का हाई रेजिस्टेंस होता है। तो अगर हमें एक अच्छा कंडक्टर बनाना है तो हम बेसिकली जो लो रेजिस्टेंस है उसी मटेरियल को हम चूज करेंगे। ठीक है, और जो ये रो होता है उसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी, और ये इसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, और मैंने आपको जैसे बताया कि इसका जो ये जो रेजिस्टिविटी है ये हम एक, जब ये हमारा फैक्टर्स खत्म हो जाएगा उसके बाद हम इसका एक टॉपिक अलग से पढ़ेंगे, उसमें हम इसके बारे में डीपली बात करेंगे। ठीक है, अभी तो बस यही है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो मटेरियल पे भी, कंडक्टर के मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, अब इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट इफेक्ट है उसको भी हम क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट इफेक्ट है वो क्या है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। जो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है रेजिस्टेंस पे, अब हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम जैसे कि हम जानते हैं कि अगर मान लीजिए ये एक कंडक्टर है, ठीक है, इसमें क्या क्या होते हैं, इसमें फॉरेन एटम्स होते हैं, ठीक है, इसके खुद के एटम्स होते हैं, ठीक है, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक, फॉरेन एटम यानी जो इम्प्यूरिटीज होती है हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जो एटम होते हैं ना कंडक्टर में, तो वो क्या करते हैं, वो अपनी ही जगह पे हल्का हल्का वाइब्रेट करते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा वाइब्रेट करते रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम क्या करते हैं कि इसका टेम्परेचर, कंडक्टर का टेम्परेचर क्या होता है, राइज होता है, बढ़ता है, इंक्रीज होता है, उस टाइम पे क्या होता है कि
जो टेम्परेचर राइज होने की वजह से जो हीट प्रोड्यूस होती है, क्या होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, तो वो हीट जो है ये जो एटम्स हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक, और वो हीट जो है ये काइनेटिक एनर्जी में क्या करते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं, और उस टाइम पे क्या होता है कि ये जो एटम्स हैं वो स्लोली स्लोली वाइब्रेट करने की बजाय वो जंप करना, वो ज्यादा तेज तेज वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। अगर कोई चीज अपनी ही जगह पे वाइब्रेट करे तो ऐसे 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 वाइब्रेट करेगी, लेकिन अगर उसमें काइनेटिक एनर्जी उसको मिल जाती है तो वो क्या करेगी, वो ऐसे 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 अपने ही जगह के आसपास क्या करेगी, बहुत तेज तेज वो वाइब्रेट करने लगेगी। पहले तो वो अपनी ही जगह पे कर रही थी, लेकिन अब वो क्या करे, थोड़ा सा ऊपर नीचे भी वाइब्रेट करने लगेगी। अब ऐसा अगर कोई भी जो एटम है, अगर पहले यहाँ पे रह के वो क्या करता, वाइब्रेट करता, अब अगर वाइब्रेट करते करते वो ऊपर और नीचे भी क्या कर रहा है, जा रहा है, तब तो भाई जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उन लोगों को चलने में तो और प्रॉब्लम हो गई, ठीक। अब उन लोग अगर यहां से निकले, पता चला ये एटम ऊपर वाइब्रेट होके ऊपर आ गया, इससे उनका कोलिजन होगा, फिर आगे जाएंगे दूसरा एटम ऐसे ही तेजी तेजी से क्या हो जाएगा, वाइब्रेट करेगा, तो फिर वो उससे जाके उसका उससे टक्कर हो जाएगी, ठीक। तो इससे हम अब इससे हम जो कंक्लूजन निकालेंगे वो क्या निकल रहा है कि अगर हम कंडक्टर का टेम्परेचर क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, तो उस टाइम पे कंडक्टर की रेजिस्टिविटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज, कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। भाई पहले तो जो सब अपनी अपनी जगह पे थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे हिल रहे थे, ठीक है, और अगर उसके बाद जब उनको हीट मिल गई, उनको काइनेटिक एनर्जी मिल गई, उसके बाद वो लगे अपनी ही जगह पे बहुत तेज तेज वाइब्रेट होने, ऊपर नीचे होने, तो अब तो जो पहले फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे वो जो आराम से मूव कर रहे थे, आराम से फ्लो हो रहे थे, अब तो उनको प्रॉब्लम हो जाएगी ना, कभी वो एक किसी एटम से टकराएंगे, कभी दूसरे एटम से टकराएंगे, कभी खुद के फ्री इलेक्ट्रॉन से क्या करेंगे, टकराएंगे, तो ये सब क्या है, ये सब रेजिस्टेंस ही तो है, ये सब करंट के फ्लो होने में ये सब रुकावट ही तो है। और वो अगर कोलाइड करता जाएगा किसी ना किसी एटम से या फ्री इलेक्ट्रॉन से, तो क्या है, वो रेजिस्टेंस ही है, वो करंट के फ्लो होने में रुकावट ही है। तो इससे हमने ये कंक्लूजन निकाला है कि अगर हम किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ा देंगे, इंक्रीज कर देंगे, तो जो रेजिस्टेंस है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और अगर हम किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो टेम्परेचर है उसको क्या लोअर रखेंगे, तो उसकी जो रेजिस्टेंस है वो भी क्या होगा, वो भी डिक्रीज होगा, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज। भाई अगर हमने रेजिस्टेंस लो, अरे टेम्परेचर लो कर दिया, तो क्या हुआ कि जो एटम अपनी जगह पे बहुत तेजी तेजी से क्या कर रहे थे, वाइब्रेट कर रहे थे, वो अब पहले की तरह ही स्लो हो जाएंगे और अपनी ही जगह पे बस स्लोली क्या करेंगे, एक तरीके से क्या कहें, कांपेंगे, ठीक है, तो हल्का हल्का वाइब्रेट करेंगे, तब जो है जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे उनको फ्लो होने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी भाई, क्योंकि सब लोग अपनी अपनी जगह पे हैं, तो वो अपना आराम से फ्लो होगा। अब अगर जगह किसी ना किसी की चेंज होती जाएगी तो उसको भी फ्लो होने में क्या होगा, प्रॉब्लम होगा, ठीक है। ये बात समझ में आई कि अगर आप कंडक्टर के क्या बोलते हैं टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगा। जब जैसे क्या होता है कि आपका फोन ऑन अगर यूज करो ज्यादा तो क्या होता है, गर्म हो जाता है ना, तो क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगा। हीट प्रोड्यूस होने से क्या होगा कि जो एटम्स होंगे उनको क्या मिल जाएगी, काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी, और उस काइनेटिक एनर्जी के मिलने की वजह से वो क्या करेंगे, अपनी ही जगह पे तेज तेज वाइब्रेट या उछलना शुरू कर देंगे। उछलने की वजह, उनके ऐसे उछलने या वाइब्रेट करने की वजह से क्या हो जाएगा, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उन लोगों को फ्लो होने में प्रॉब्लम होगी, रुकावट हो जाएगी। तो इससे क्या हुआ कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं कंडक्टर का, तो जो रेजिस्टेंस है वो भी बढ़ जाएगा, और अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं, टेम्परेचर लोअर रखते हैं, तो जो रेजिस्टेंस है वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है।
तो क्या है, द रेजिस्टेंस ऑफ ऑल प्योर मेटल्स इंक्रीजेस ऑन रेजिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर को बढ़ा के हम जो भी प्योर मेटल्स होते हैं, जो भी हमारे कंडक्टर जिससे बने होते हैं, तो उनसे उनमें क्या होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा एंड डिक्रीज ऑन लोअरिंग द टेम्परेचर। और उनका रेजिस्टेंस हम लोअर डिक्रीज कर सकते हैं कैसे, अगर हम टेम्परेचर को लोअर कर दें या टेम्परेचर को डिक्रीज कर दें, तो हम उनका उसका जो मेटल है उसका क्या कर देते हैं, उसका रेजिस्टेंस कम कर सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो हम लोग ने जो फैक्टर्स थे रेजिस्टेंस के, वो फोर फैक्टर्स थे, वो फोर फैक्टर्स जो है हम लोग ने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। दो हम लोग ने पहले ही डिस्कस कर लिए थे और दो हम लोग ने आज डिस्कस किए हैं। तो आई होप कि आपको ये चारों फैक्टर्स जो है वो समझ में आ गए होंगे। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, हम लोग उसमें रेजिस्टिविटी को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि आखिर ये रेजिस्टिविटी होती क्या है, उसकी SI यूनिट क्या होती है। ये सारी चीजें हम क्या करेंगे उसमें, अपने जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।